वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पम्पकिन कार्विंग करना सीखेंगे। उसके लिए आपको कद्दू लगेगा ऑब्वियसली, और लगेगा पम्पकिन कार्विंग किट। तो ये शुरू करने से पहले अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये कद्दू को मैंने अच्छे से धो लिया क्योंकि इसमें धूल वूल बहुत था, तो वो मैंने धो लिया है। ऊपर से इसमें काफ़ी इसमें अंदर स्टिकर्स हैं जिससे आप और कुछ अलग अलग जो भी कार्विंग करना है वो कर सकते हो। जैसे कि इसमें स्पाइडर का है, घोस्ट का है, विच का है, तो आप कोई भी कर सकते हो। साथ ही साथ जो हम अंदर ये कट करके अंदर का क्लीन करेंगे तो उसके लिए आपको स्पून भी लग सकता है। तो चलो कट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ करेंगे हम कट करने के लिए, और मेक श्योर कि आपके पास पेंसिल हो जिससे कि आप मार्क कर सको। और सबसे पहले हमें वो एरिया देखना है जिसमें हमें एक्चुअली हमें अपनी कलाकृति दिखानी है। तो आई थिंक मैं ये वाला एरिया यूज़ करूँगी, तो फिर उस हिसाब से मुझे अपना सारा डिज़ाइन रेडी रखना है। क्योंकि ये थोड़ा सा इधर साइड टेढ़ा है, इधर ये आई थिंक ये ठीक रहेगा। ओके, कोई भी एरिया फाइनलाइज कर लो, उसके बाद ये एरिया है, उसके बाद हम यहाँ से मार्किंग करेंगे क्योंकि हमें इसका एक कट करके निकालना है। और मेक श्योर कि बहुत छोटा भी ना हो, क्योंकि आप छोटा बहुत छोटा सा रख दोगे तो आप अंदर हाथ डाल के साफ नहीं कर पाओगे। तो फिर हम बनाएंगे इतना बड़ा। तो अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है, अब हम इसका कट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको लेके आपको सीधे ऐसे नहीं घुसाना है, नहीं तो आपका ये जो आप लिड रखोगे, ढक्कन जो बनेगा हमारा लिड, वो सीधे नीचे चला जाएगा। तो आपको थोड़ा एंगल में करना है ऐसे। और उससे पहले इसके स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पे कवर कर लूंगी, क्योंकि तो मैंने ये कपड़ा भी छा दिया है जिससे कि जो भी गंदगी है वो इधर ही रहे। और एक आप एक बड़ा सा बोल ले लो जिसमें आप इसका अंदर जो भी स्टफ निकलेगा वो हम उसमें रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हम एंगल बना के काटेंगे। ये पूरा अंदर गया, अब उसी एंगल से हम कट करते चलेंगे। ये कट हो चुका है, और अगर ना उठे तो एक राउंड और लगा दो, कहीं से कुछ अटका होगा तो वो क्लियर अप हो जाएगा। हाँ, ये देखो, ये आ गया। अब सबसे पहले हम इसका लिड साफ कर लेते हैं। जितना इसका जो भी गूदा है उससे हमें हटाना है, क्योंकि उसी से हमारा ये कद्दू लंबा चलेगा, अदरवाइज वो बहुत जल्दी सड़ने लगेगा। तो ये मेरा लिड क्लीन हो गया, और अब वैसे ही हम इसके अंदर से स्टफ निकाल लेंगे। इसके जो सीड्स हैं वो काफ़ी काम का है, काफ़ी यूज़फुल है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, तो आप इसके सीड्स को रख सकते हो। आई थिंक इससे हो गया है, अब मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। तो ये हो गया है साफ, अब हम एक बार ट्राई करते हैं इसको ऐसे लगा के कि लग रहा है कि नहीं। इसका डिज़ाइन की तरह, हाँ ये रहा, तो ये लग गया है। इसको हम पोंछ लेंगे टिश्यू पेपर से। तो ये मैंने साफ कर लिया है, अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो जिस एरिया में मुझे बनाना है वो मैंने ले लिया, और मेरी पेंसिल कहाँ ये रही। अब मैं इस पे बनाती हूँ डिज़ाइन। तो ये मेरा डिज़ाइन बन गया है, अब कट करना शुरू करते हैं। आई थिंक हम छोटे वाले से करते हैं अब। तो ये हमारी एक आंख बन चुकी है। और ये निकली दूसरी आंख। तो ये हमारा दोनों आईज रेडी हैं। तो इसमें जो भी क्लैरिटी चाहिए वो हम एंड में करेंगे। अब हम नोज कट करते हैं। अब हम करेंगे मुंह। टायरिंग, दर्द हो जा रहे हैं। बट कोई नहीं, मुंह का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट इन प्रोग्रेस। मुंह आ गया। तो हमारा पंपकिन रेडी है हेलोवीन के लिए। तो ये रहा डिजाइन आपका, काफी इजी है। और आई थिंक पंपकिन में मुझे ऐसे डरावने लुक वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये वाले डिजाइंस ऐसे डरावने वाले फेस वाले में ही मजा आता है बनाने में। तो ये सेकेंड टाइम भी मैंने कुछ ऐसा ही बनाया है, तो आप लोग जरूर ट्राई करना। हैप्पी हेलोवीन।